कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने चैनल पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से अब नए टॉपिक लेके आए हैं कि लड़कियों में महिला में आखिर में ब्रीस्ट क्यों बढ़ती है, ब्रीस्ट का साइज कैसे बढ़ते रहता है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। अबे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जितनी भी है महत्वपूर्ण हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि महिलाएं लड़कियों का छाती क्यों बढ़ता है, किस उम्र से बढ़ता है और किस आकार तक बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आज आपको ब्रिस्ट इंक्रीजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे होता है। फ्रेंड्स, आज तक हम लोग देखते हैं कि आज तक लड़कियों का जो उम्र होती है 8 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में लड़की का ब्रिस्ट धीरे धीरे उसके साइज बढ़ने लगते हैं। वह दिखने लगता है कि थोड़ी थोड़ी साइज उनकी बढ़ रही है और धीरे धीरे 13 वर्ष से 18 वर्ष तक उम्र तक काफ़ी तेज़ी में ग्रोथ होता है और इससे कि अपना ब्रेस्ट का काफ़ी विकास होता है। और यह ज़्यादा चीज़ माना जाता है कि यह प्रोगेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से इसमें प्रोग्रेस होती है लड़कियों में, जिसके वजह से ब्रेस्ट बढ़ता है। फिर बाद में 18 के बाद मैच्योर हो जाते हैं तो उनका ब्रेस्ट एक साइज में रहता है। फिर आगे की कंडीशन कैसे कैसे बढ़ती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। चाहे लड़की हो, छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की महिलाएं हों, आइए जानते हैं कि उनकी ब्रेस्ट कैसे बढ़ता है। आजकल ज़्यादातर माना जाता है कि लेडीज़ें घर में खा पी के आराम से सो जाती है, उनका बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, वह एक्सरसाइज नहीं करती हैं, फैट बढ़ने वाले चर्बी बढ़ने वाले फूड्स का ज़्यादातर सेवन करती हैं, इसके वजह से उनका ब्रिस्ट का आकार बढ़ते जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ब्रिस्ट इतना वजन रहता है कि आप देखोगे कि जिस तरह की, अब बोलना नहीं चाहिए, जिस तरह की मटके हो जाते हैं। पॉट, आपने मिट्टी का पॉट देखा होगा, इस तरह होता है। क्योंकि उन महिलाएं जो व्यायाम नहीं करती है, ज़्यादा खा के सो जाती हैं, तो उसकी वजह से उनका चेस्ट का भी साइज बढ़ता है और बॉडी में चर्बी बढ़ने के कारण बॉडी का भी साइज और वजन वेट बढ़ने लगता है। उसके कारण आपको उनको हार्ट की भी समस्या आ सकती है। तो एक्सरसाइज नहीं करना और फैटी सब्सटेंस को यूज़ करना, फूड्स को यूज़ करना, इसके वजह से भी ब्रिस्ट बढ़ने का भी यह एक कारण माना गया है। अब बाकी तो कम उम्र में जो 8 साल से 18 साल की उम्र तक है, यह तो नेचुरली है, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है। लेकिन आगे के लिए क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि ब्रिस्ट किसी का कुछ बढ़ता ही नहीं और किसी का काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब आज तक के दौर में क्या है, आमतौर में लड़की की ब्रिस्ट जो होती है 8 वर्ष से छोटी छोटी दिखाई देती है और धीरे धीरे उसमें उभार आने लगते हैं। उभार आते आते तेरे छोटे से साइज में वह काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे आखिर में और भी बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो भाई बढ़ती उम्र जो 8 साल से 18 साल की उम्र होती है लड़कियां का, वो तो बढ़ने का प्राकृतिक है देन से, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोग्रेस्टेरोन बॉडी में हार्मोन चेंज होती है। हार्मोनल चेंज होने के कारण, बॉडी बैलेंस होने के कारण ब्रिस्ट का साइज बढ़ता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जब
बच्चे को जन्म दे तो उसको दूध भी पिलाने के लिए काम करती है, एक प्रकृति की देन है फ्रेंड्स। और आगे जानते हैं कि किसी किसी का ब्रेस्ट काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है और क्यों होता है, कैसे होता है, वह परेशान क्यों रहता है, आइए उसके बारे में जानते हैं और उससे कैसे बचा जाए यह भी हम जानते हैं फ्रेंड्स। यह कारण नंबर पहला है कि मेंस्ट्रुअल के समय जब पीरियड आता है, हर महीने में 28 दिन के बाद में जब पीरियड आती है, उस दिन में ओवा बहुत तेज़ी में तैयार होता है और प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज होता है, इसके समय में भी हमारा ब्रेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। लेडीज महिलाएं क्यों, आप लोग जानते होंगे जिस भी महिला शादीशुदा है या नहीं भी है, जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसका चेस्ट एकदम टाइटनेस महसूस होता है और टाइटनेस का साइज बढ़ जाता है, कारण कि ओवा भी वहाँ इंक्रीजमेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में, जिसमें प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, इसके कारण भी ब्रेस्ट का बढ़ोतरी होती है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज तो उसमें इस हार्मोन्स के चेंजेस होने के वजह से उनके अंदर में मिल्क प्रोडक्शन होता है, ताकि आने वाले बच्चे के लिए फीड पिलाया जाए, यानी कि भोजन उनको दिया जाए, इसके कारण भी प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका ब्रेस्ट बढ़ता है, ताकि बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। यह प्रकृति का देन है जिसमें कि प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है। उसके बाद में किसी का अगर वजन ज़्यादा है, वजन अगर बढ़ता जा रहा है, जिस भी लेडीज़ का वजन बढ़ते जा रहा है, तो उसका देखेंगे जब उसकी वजन बढ़ रही है तो उसका ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है, कारण उसके अंदर में जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उसकी भी साइज बढ़ने लगती है, और साइज बढ़ती है तो ब्रेस्ट का साइज ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, जो कि खाते पीते कुछ भी रहेंगे, और मोटापा एक बीमारी हो जाती है और उसके कारण उसका शरीर का वजन अब मोटा होने लगता है। जब बॉडी मोटा होता तो ब्रेस्ट भी मोटा होने लगता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो ज़्यादा मोटे लोग हैं, यानी जिसका वज़न आपने देखा होगा 100 से 125 किलो, तो आपने ये देखा होगा ब्रेस्ट का भी साइज अगर नापा जाए तो उनका अगर वजन भी किया जाएगा तो 10 kg से कम नहीं होगा, आप लोग महसूस कर सकते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज, यानी जो मोटे लोग हैं अगर कोई भी फैटी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खाते जा रहे हैं और चर्बी चीज़ अगर बढ़ते जा रही है और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बॉडी का वजन बढ़ते जाता है और उसके वजह से भी उनका चेस्ट ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, क्योंकि खा के आराम से सो जाते हैं तो हमारा बॉडी में जो खाने पीने होते हैं वह डाइजेस्ट नहीं होता है, वह सड़ा हुआ रह जाता है, तो उससे बॉडी में सेल्स को बढ़ा देता है और उससे भी ब्रेस्ट और बॉडी बढ़ सकती है। उसके बाद में आता है सेक्स, इंटरकोर्स। अभी बहुत सारे लोग इंटरकोर्स भरपूर करते हैं, इंटरकोर्स की भावना, इंटरकोर्स के माहौल से, और फोर प्ले का मतलब होता है ब्रेस्ट को चूसना होता है, हेड को चूसना होता है, यानी कि आप जब चूसते हैं ब्रेस्ट को तो ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है। और सेक्स अलग अलग टाइप से इंटरकोर्स करते हैं, और सेक्स भी करने का अलग अलग टाइप से आदमी लोग इस्तेमाल करता है। अब जैसे फोर प्ले में हो गया निप्पल को चूसना, यानी कि ब्रेस्ट को चूसना, हेड को चूसना, वो भी एक फोर प्ले में होता है, कोई हैंड चूसता है, कोई ईयर के बाजू में एक पॉइंट होता है इसको चूसता है, कोई ओठ को चूसता है, ये भी एक प्रकार का फोर प्ले होता है। या फोर प्ले और इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल हैबिट से भी अपनी ब्रेस्ट के साइज बढ़ती है, यानी फोर प्ले जितना ज़्यादा निप्पल को अगर चूसा जाए तो उसकी चूसने से उसका जो निप्पल का साइज होता है, उसका जो टिश्यू होता है उसमें प्रोग्रेस होती है,
अप्रोग्रेस से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। उसके बाद में कुछ पॉइंट हैं जो कि कॉन्ट्रेसेप्टिक्स, कोई गर्भ निरोधक गोलियां बहुत लोग खाते हैं और कॉन्ट्रेसेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रेसेप्टिव मतलब गर्भधारण को रोकना, और मेडिसिन के वजह से हमारे बॉडी में गर्मी होती है और गर्मी के कारण वह सारी चीज़ बढ़ती रहती है, तो हार्मोन्स भी चेंजेस होता है, उसके कारण भी ब्रेस्ट हमारा साइज बढ़ती है। क्योंकि आज जानिए फ्रेंड्स कि आज हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन हमारे 9 महीने के बाद में जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मिल्क यानी ब्रेस्ट द्वारा फीड उसका पूर्ण किया जाता है। तो सोचिए प्रकृति ने किस तरह बनाया है कि काम कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, लेकिन भगवान ने पेट भरने के लिए बच्चे को ब्रेस्ट का अवशोषित कर दिया है, तो इसलिए ब्रेस्ट ओवरिन का वो चीज मैचेबल है ताकि मिल्क का सिक्रेशन हो सके और बच्चा सकिंग द्वारा बच्चा मिल्क पी पाता है, जो कि भगवान ने बहुत बड़े सोच समझ के उस चीज़ को बनाया है। लेकिन गर्भ निरोधक गोली खा के, कॉन्ट्रेसेप्टिक पिल्स खा के भी अपने बॉडी में हीटिंग की भावना बना लेते हैं लोग, ताकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहे और वह गर्भधारण ना करें। इसके वजह से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। आगे पॉइंट आता है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर होना। फ्रेंड्स, आज के दौर में ब्रेस्ट में ट्यूमर बहुत सारी आ रही है। किसी को ब्रेस्ट में ट्यूमर आ रहा है, किसी को ओवरी में ट्यूमर आ रहा है। लोग ब्रेस्ट ट्यूमर, ओवरी के ट्यूमर्स आज ज़्यादातर पाए जा रहे हैं, और इसके कारण कुछ दिन के बाद में ऐसा हो रहा है कैंसर जैसी बीमारी का उत्पन्न हो जा रही है। तो ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अब ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है तो इसके लिए हमारे पास में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट है। जो ब्रेस्ट की ट्यूमर अगर रहेगी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन से आपका ब्रेस्ट का ट्यूमर को बिना ऑपरेशन का वह सफाई हो जाएगा। तो ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से भी ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है। तो यह सब हमने जाना कि ब्रेस्ट की साइज किस प्रकार से बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, और अगर जो मोटे लोग हैं जिसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ती है, अगर वह एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उसका ब्रेस्ट का साइज कम भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस वगैरह, हार्मोनल चेंज वगैरह सारी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर हो यानी ब्रेस्ट में अगर गांठ हो तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है, एलोपैथी में दवा दे रहे हैं, काम किया या नहीं किया तो ऑपरेशन करके उसको निदान किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन अगर लेते हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन से यह ट्यूमर को गलाया जाएगा और ट्यूमर गला के आप सभी को सुरक्षित किया जा सकता है। यह आज हमने चर्चा किया है कि ब्रेस्ट क्यों बढ़ता है, और ब्रेस्ट के और भी अगर ट्यूमर ब्रेस्ट में हो तो उसको किस तरह उसको गलाया जा सकता है, उस गांठ को गलाया जा सकता है बिना ऑपरेशन को। तो आज हमने जाना ब्रेस्ट का बढ़ना, और ब्रेस्ट में गांठ, और ब्रेस्ट किस उम्र से बढ़ती है और क्यों बढ़ती है और किस कारण बढ़ती है, ये आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमें आशा है कि आज के नवयुवतियाँ जो आज 8 साल से प्लस कर रही है, उनको पढ़ाई में यानी जिन्होंने साइंस भी लिया हो, बायो कर रहे हों, मेडिकल फील्ड में जा रहे हों, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, उनका माइंड ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो आने वाला समय उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनकी मोटापा आज बहुत तेज़ी की बीमारी बन रही है। आज मोटापा को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ब्रेस्ट का साइज से चलते पूरी बॉडी की भी साइज बढ़ते जा रही है और हार्ट अटैक भी आने की संभावना रहती है। तो आज हमने जाना ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, ब्रेस्ट को गांठ को किस तरह गलाया जाए, तो इस चीज़ के बारे में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज क्यों बढ़ता है यह चीज़ हमने जाना। इतना कह के हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ऐसे पीछे में नंबर दिया हुआ है,
फिर भी एक बार दे रहा हूँ, डॉक्टर रणधीर शर्मा 9226270508। जिस भी भाई का, जिस भी महिला की अगर ब्रिस्ट में गांठ हो तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन उन तक पहुंचा देंगे और उनकी वह गांठ की समस्या से दूर होगी, क्योंकि बिना ऑपरेशन का यह इलाज हो जाएगा। इतना कह के जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय मेडिकल साइंस।